हेलो फ्रेंड्स, फार्म सेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और एक नए फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन बोले या फिर रिव्यू। तो दोस्तों, रजनी सर ने अपना दरबार कल लगा दिया, यानी कि सोशल मीडिया पे उनकी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि दरबार का जो ट्रेलर है उसे लॉन्च कर दिया गया। और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो दिल से एक आवाज आई कि सैल्यूट करूं रजनी सर को कि वो इस उम्र में भी एक्शन फिल्में कर रहे हैं। यार मतलब कि जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्में वो कर रहे हैं। उसको देखने के बाद तो एक ही सवाल दिमाग में आता है, यार इतना एनर्जी वो लाते कहां से है? उनकी उम्र के तो कितने एक्टरों ने बॉलीवुड में संन्यास ले लिया है और जो काम भी कर रहे हैं वो सपोर्टिंग एक्टर पे काम कर रहे हैं या फिर उनकी फिल्में जो हैं वो लिंक से हटकर होती है, मतलब वो एक्शन फिल्में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन रजनी सर तो अभी भी मतलब कि झंडा बुलंद किए हुए एक्शन वाला, यानी कि एक्शन वाले अवतार में ही नजर आएंगे वो दरबार में। और जबरदस्त ट्रेलर है बॉस, मतलब कि मैं बोलूंगा कहानी की मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रजनी सर के एक्शन को देखकर बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस उम्र में वो जिस तरीके से एक्शन फिल्में करते हैं वो बड़े बड़े आज के जो स्टार हैं यानी कि जो यंग स्टार हैं उनके लिए वो प्रेरणादायक हैं। भैया कि इस उम्र में भी रजनी सर मतलब एक से बढ़कर एक विलेन को हवा में उड़ा देते हैं, तुम लोग क्या चीज हो बॉस? मतलब रजनी सर की फिल्मों का जो बात है ना बॉस वो अलग होता, मतलब इन रासकल्ला जो वो बोलते हैं ना यार मजा आता। और जिस तरीके से उनका जो एक्शन है मतलब जो स्टाइल है वो स्टाइल यार आज भी बहुत एक्टरों में देखने को नहीं मिलता है। तो यार जबरदस्त ट्रेलर है, मजा आया इस ट्रेलर को देखकर। एक ही बात बोल सकते यार, रजनी सर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी कि इस उम्र में भी जिस तेजी से वो अपने फिल्मों को करते हैं, जिस तरीके से वो अपने फिल्मों के एक्शन को पूरा करते हैं, उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि भैया उनमें अभी बहुत एनर्जी बाकी है और वो ताउम्र मतलब जब तक वो रहेंगे दुनिया में तब तक वो एक्शन फिल्में ही करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं A.R. मुर्गादोस, जो कि एक से बढ़कर एक फिल्में साउथ इंडस्ट्री में दे चुके हैं। और इस बार तो भैया लगता है कि वो और एक जबरदस्त फिल्म देने की तैयारी में लगे हुए हैं। किसको लेकर? तो भैया रजनी सर को लेकर। वैसे मैं बता दूं कि इस फिल्म में जो कास्ट की अगर मैं बात करूं तो रजनीकांत हैं इस फिल्म में, नयनतारा हैं और सुनील शेट्टी हैं, यानी कि सुनील शेट्टी इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे और इन्हीं दोनों के बीच में द्वंद्व होता नजर आएगा। अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी के बादशाहत को हिलाते नजर आएंगे। कौन? तो भैया दरबार, यानी कि रजनी सर अपने दरबार से उनकी बादशाहत को हिला देंगे और इन दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होगा। मुंबई पुलिस वर्सेस क्राइम वाला है इस बार। तो भैया कहानी अच्छी लग रही है, नॉर्मल कहानी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि कहानी बहुत अच्छी है, नॉर्मल कहानी है। अमूमन पुलिस वाली फिल्मों में क्या होता है भैया कि एक पुलिस वाला जो है एक सामने वाले क्रिमिनल को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके बादशाहत को खत्म कर रहा, वही कहानी होगी। लेकिन यहां पर थोड़ा दिखाया जा रहा है कि ये जो पुलिस वाला है यानी कि रजनी सर का जो किरदार है वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि उनको बताया जा रहा है कि वो बहुत वायलेंट है, वो क्राइम को खत्म नहीं करना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। मतलब सुनील शेट्टी का एक डायलॉग है मतलब कि ये पुलिस वाला नहीं, ये गुंडा है, मर्डरर है, कातिल है, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके शॉट्स भी वैसे दिख रहे हैं यार, वो एक के बाद एक कई सारे क्रिमिनल को उगाते जा रहे, उड़ाते जा रहे। तो जबरदस्त है फिल्म, अच्छा लग रहा, मतलब देख के ट्रेलर तो अच्छा लगा। आप देखते हैं सिनेमाघर में जब ये फिल्म आएगी तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन बॉस तलैबा की फिल्म है और लोगों को इंतजार रहता है रजनीकांत की फिल्म का, मतलब कि लोग देखकर आज भी बोलेंगे, मतलब कई बूढ़े तो जवान हो जाएंगे इनकी फिल्म को देखकर कि भैया इस उम्र में जब रजनीकांत ऐसा एक्शन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? तो करना चाहिए, रजनी सर सबके लिए प्रेरणादायक है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है जब रजनी सर की एंट्री होगी अन्ना के सामने तो कितना मजा आएगा, क्योंकि अन्ना की वापसी हो रही बॉस। ये अच्छी बात है कि अन्ना अब वापसी कर रहे हैं बॉलीवुड में, क्योंकि उनकी कमी खल रही थी और उनके साथ में नाइंसाफी हुआ था बॉलीवुड में कि उनको दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन अन्ना जो वापसी कर रहे हैं उसको देखने के बाद तो मजा आ रहा है कि आने वाला टाइम सुनील शेट्टी के लिए फिर से अच्छा होने वाला है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।